दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए, बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था, अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कमजोरी के कारण अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था, बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गए जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रू देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूं मैं, 10 रू में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें 2 पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रू का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना, और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना, और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था, मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र है उसके कार्यकलाप के। वो महान है भगवान, हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इस लायक बनाए।